देखो आपका ये जो प्रैक्टिकल है वो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फैराडेज लॉ। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपको एक तो दे रखा है ये किट दे रखा है, ठीक है, फैराडेज लॉ का, और दूसरा आपको ये जो है एक कॉइल है जिसके कि दो टर्मिनल है, एक से करंट एंटर करती है और दूसरे से निकलती है, ठीक है, और मैग्नेट लगा रखा है इस कॉइल के बीच में। ये जो मैग्नेट है ये एक आर्क शेप के अंदर हमने इसको अरेंज कर रखा है, इसको जब आप छोड़ेंगे तो ये इस तरह से ऑसिलेशन करेगा, दोलन करेगा, ठीक है, और साथ में यहाँ एक स्केल दे रखी है 0 to 90 10-10 डिग्री के गैप से, और यहाँ भी दे रखी है आपको। अब आपको करना क्या है, शुरुआत में सबसे पहले आपको सर्किट जोड़ना है। तो जो सर्किट है आपका वो ये है, इस सर्किट में आपको क्या करना है, इस इसके अंदर देखिए आप, सबसे पहले यहां पर डिफरेंट रेंज के कैपेसिटर है, इसको यहां लाके दिखा दो, इसके अंदर डिफरेंट रेंज के कैपेसिटर है, दो डायोड दे रखे हैं D1 D2 और रेजिस्टेंस के अलग अलग रेंज दे रखी है। ये आपका मिली एमीटर है और ये वोल्ट मीटर है, और ये एक स्विच दे रखा आपको जो कि डिस्चार्जिंग की का काम करेगा। अब इसके अंदर सर्किट जो मैंने जोड़ा है एज पर दिस डायग्राम, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव में जोड़ा, तो रेजिस्टेंस का ये जो टर्मिनल है ये डायोड के पॉजिटिव गया, और डायोड का जो नेगेटिव है, क्योंकि देखो यहाँ पर इस सर्किट के अंदर ये मिली एमीटर काम नहीं कर रहा है, और वैसे भी इस एक्सपेरिमेंट में करंट की मेजरमेंट की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए मैं इस मिली एमीटर को बाईपास कर रहा हूँ, तो मैं इसको सीधा ही कर रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ डायोड का जो पॉजिटिव है वो कैपेसिटर के पॉजिटिव में जाएगा, तो डायोड का पॉजिटिव जो आ रहा है ये वाला, ये मैंने जोड़ा कैपेसिटर के पॉजिटिव में, ठीक है, और कैपेसिटर का जो नेगेटिव है, कैपेसिटर का नेगेटिव जाएगा इस कॉइल के किसी एक टर्मिनल में, तो यहाँ जोड़ दिया, और कॉइल का जो दूसरा टर्मिनल है वो जाएगा रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल पर, तो जो कॉइल का दूसरा है वो रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल पर जोड़ दिया, तो ये पूरा सीरीज में सेटअप आपका सर्किट जुड़ गया। अब उसके बाद में हमें वोल्ट मीटर को जोड़ना है, क्योंकि वोल्ट मीटर जो है वो की के थ्रू जुड़ेगा, तो यहाँ पर देखो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जुड़ेगा, और की हमेशा इस कैपेसिटर के इस तरह से जोड़नी है कि जब की ऑन हो तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाए, तो दोनों ही पैरेलल में जुड़ेंगे, कहने का मतलब। तो इस सर्किट के अंदर अगर जो दे रखा है वैसे जोड़ेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जो वोल्ट मीटर है ये दोनों टर्मिनल पे मैंने इसको जोड़ दिया, तो कैपेसिटर के जो दोनों टर्मिनल है इसको मैं वोल्ट मीटर से जोड़ देता हूँ, वोल्ट मीटर के रूप में मैं जो है मिली एमीटर सॉरी मल्टीमीटर यूज ले रहा हूँ, तो ये मैंने इसको यहाँ जोड़ दिया और ये इधर हो गया, और जो स्विच है ये भी दोनों टर्मिनल मैंने इसके अक्रॉस जोड़ दिया, एक टर्मिनल इस पे और दूसरा इस पे। अब जैसे ही मैं स्विच को प्रेस करूंगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, तो जो चार्ज के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो आपको इस मल्टीमीटर में दिखाई देगा। जैसे अभी कुछ आ रहा है तो डीसी वोल्टेज पे मैंने इसको ले रखा है और 2 वोल्ट पे इसकी सेटिंग कर रखी है, और जैसे मैं ये की प्रेस करूंगा ये वोल्टेज हट जाएगा, क्योंकि अभी कैपेसिटर का कुछ वोल्टेज होगा, तो कैपेसिटर जो चार्ज होगा उसके करस्पॉन्डिंग ये वोल्टेज है। अब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये 0 हो गया, ठीक है, तो ये कैपेसिटर आपका क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, जो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाए 2-3 बार कर लो, ठीक है, अब उसके बाद में आपको क्या करना है, अब अपना काम यहां से शुरू होगा। तो ये जो स्केल दे रखी है आपको 0, 10, 20 ये एक्चुअल में एंगल है, तो 10 degree, 20 degree, 30 इस तरह से आपको दे रखा है। तो अब अपन टेबल देख लेते हैं, टेबल में क्या है, ये आपकी टेबल है, एंगुलर एम्पलीट्यूड θ0 ये डिग्री में है, वोल्ट मीटर की रीडिंग E0 वोल्ट में है जो कि हम यहाँ से मेजर करेंगे, और टाइम पीरियड आपको मेजर करने के लिए स्टॉपवॉच दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पर टाइम पीरियड हम निकाल लेंगे अलग अलग ऑसिलेशंस के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस आर्क को आपको इस तरह से शिफ्ट करना है कि एंगल कितना सेट हो जाए 10, तो मैं यहां लिखूंगा पहले 10, तो 10 के लिए आपको क्या करना है, इसको यहां तक ले जाओ और 10 पे ले जाके इसको रोक दो। तो जब आप इसको 10 पे रोक दोगे तो उस केस में आपको आपकी जो स्टॉप वॉच है वो आपके पास रहनी चाहिए, जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे और आपकी स्टॉप वॉच ऑन हो जानी चाहिए, ठीक है।
ठीक है। तो करना क्या है, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा स्टॉप वॉच ऑन हो गई, आपको जो रीडिंग है टाइम के साथ में वो नोट करनी है, सॉरी ऑसिलेशन के साथ में आपको टाइम नोट करना है। तो जैसे आपने इस टेबल में आपको दे रखा है, जो रीडिंग है टाइम पीरियड फॉर 10 और 20, मैं 10 ऑसिलेशन ले रहा हूं, तो मैं इसको 10 डिग्री पे सेट करता हूं, और जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये ऑसिलेशन करेगा। तो जैसे ही छोड़ूंगा आपको घड़ी को ऑन कर देना है, ठीक है, और 10 ऑसिलेशन जब होंगे तो आपको उसका टाइम नोट करना है, और उसके बाद में क्या करना है, इसको अगले रीडिंग के लिए ले जाएंगे जो कि 20 डिग्री होगा। तो करना कैसे, सबसे पहले 10 पे ले जाओगे, छोड़ोगे तो ये ऑसिलेशन करेगा इस तरह से। तो जब आप इसको 10 से छोड़ोगे तो 0 पर आएगा, उस वक्त आपकी घड़ी ऑन होनी चाहिए। फिर ये इधर जाएगा, इधर आके जब इधर आएगा तो एक ऑसिलेशन होगा। ऐसे आपको 10 ऑसिलेशन होते हैं तो उसकी रीडिंग जो भी इस वोल्टमीटर में आएगी वो आपको नोट करनी है। तो अभी देखो, जैसे मैंने इसको थोड़ा मूव किया ना, तो इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज आना प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेट जब मूव करेगा तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज जो है वो चेंज होगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और वो ईएमएफ जो है हम यहाँ मेजर कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले आपको यही करना है कि जब आप रीडिंग लो, तो जैसे मैंने आप इसको छोड़ा तो ये देखो कुछ वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो गया। तो इस कैपेसिटर के चार्ज को पहले तो डिस्चार्ज करो, और उसके बाद में जो मैंने प्रोसेस बताया वो करना है। तो सबसे पहले इस कैपेसिटर को क्या करो, डिस्चार्ज। इस की को दबाओगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। अब इसको छोड़ दो तो ये अपनी 0 हो गई। अब आप क्या करो, इसको ले जाओ 10 डिग्री पर, और जैसे आप इसको छोड़ोगे और ये 10 पर आएगा, सॉरी 0 पर आएगा, आपको घड़ी ऑन कर देनी है। तो मैं इसको, ये मैंने कर दी, तो ये एक ऑसिलेशन हो गया, घड़ी भी चल रही है, देखो इसमें टाइम आपके आ रहा है, ठीक है। और यहाँ वोल्टेज जो है 10 ऑसिलेशन जब हो जाएंगे तो जो वोल्टेज यहाँ आएगा वो आपको नोट करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया आपका, कि आपको पहले 10 डिग्री के लिए वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आ रही है वो नोट करनी है, और कितने ऑसिलेशन के लिए, 10 ऑसिलेशन के लिए, ठीक है। अब आपको अगली बार क्या करना है, ये 10, ये जो डिग्री है 10 डिग्री की जगह 20 डिग्री लेना, फिर ये प्रोसेस करना है, फिर 20 की जगह 30 डिग्री ले लेना, और ये प्रोसेस आपको करना है। तो ये आपका ये प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, आर की वैल्यू ले रखी है 100 ओम, और सी की वैल्यू ले रखी है 100 माइक्रोफेरेड। अब आप अगले सेट के लिए क्या करोगे, सी की वैल्यू चेंज कर दो या आर की वैल्यू चेंज कर दो, और एक और सेट आपको यहाँ मिल जाएगा, यानी एक सेट की 5 रीडिंग ही हो गई, अगले सेट की 5 रीडिंग और हो जाएगी। 5 रीडिंग यानी कि 10, 20, 30, 40, 50 डिग्री तक ही लेना है, और फिर इसी प्रकार से आपको दूसरे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स के अक्रॉस रीडिंग लेनी है। और जो रेडियस ऑफ आर्क है वो आपको यहाँ से फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, तो ये आर्क है तो इसकी रेडियस फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करोगे, रेडियस है ना, तो रेडियस कैसे फाइंड होगी, ये 2r होगा, इसका हाफ कर दो r आ जाएगा, ठीक है। ये चीज है, ये सेंटीमीटर में आपको लिखनी है, और उसके बाद में आपको ग्राफ बनाना है E0 और Vm में। Vm के लिए फॉर्मूला दे रखा है, इससे आप वैल्यू थीटा 0 और R0 और T की वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये जो है ग्राफ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। समझ आ गया, ओके।